जय हिंद। आज हम इस वीडियो पे त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या विलोम प्रतिलोपन त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल क्लियर, फुल कॉन्सेप्ट फुल फार्मूले के साथ में बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो देखिए इसमें है प्रतिलोपन त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति आपने पहली पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे प्रतिलोपन इनवर्स त्रिकोणमिति है। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें करना क्या है कि देखिए आप ऐसे एक फंक्शन पढ़े थे साइन थीटा बराबर मान लीजिए वाई, ऐसे कोई फंक्शन आप पढ़े थे। तो यहाँ से यदि थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो साइन जब उस साइड जाएगा तो यू आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो इस प्रकार से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये जो थीटा है मतलब यहाँ पे ये जो वाई है इसकी वैल्यू कैसे 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 इंटरवल में होती है, ठीक है, कैसे कैसे ब्रैकेट्स में होती है, इसकी अनुप्रास रेंज क्या है, ये सब देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि कुछ याद करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद करिए, सबसे पहले उनको आपको याद करना है, ठीक। तो उनमें याद करने के बाद ये है कि देखिए जैसे जैसे साइन इनवर्स एक हो जाएगा कॉस इनवर्स, एक हो जाएगा टैन इनवर्स, एक हो जाएगा कॉट इनवर्स, एक हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, एक हो जाएगा सेक इनवर्स, ठीक। सभी का उल्टा, ठीक, सभी का उल्टा ये हुए। इसके बाद में सर यहाँ पे हो जाएगी डोमेन और इसके आगे हो जाएगी इसकी रेंज, ठीक है। अनुप्रास और प्रास जो जो आप बोलते हैं उसको आपको लिख लेना है। तो देखिए जो साइन थीटा की रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 में, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस ओपन या क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस में सर सेम एकदम, ठीक है, डोमेन सेम, लेकिन यहाँ पे जो है वो हो जाता है सर 0 से π। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर इसके अलावा सर आता है यहाँ पे सर आता है टैन, तो टैन में आप आर लिख लीजिए और कॉट में आर लिख लीजिए। आर क्या होता है, आर का मतलब होता है भाई मेरे, आर का मतलब होता है ओपन इंटरवल -∞ से ∞ -∞ से ∞। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका जो रेंज होगा वो होगा सर ओपन इंटरवल सर π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और इसका सर 0 से π। सर यहाँ पे जो है वो होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, यहाँ भी r माइनस ओपन इंटरवल 1 से 1। मतलब सर r क्या है, -∞ to ∞, मतलब -∞ से ∞ का मतलब समझ रहे हैं -1 -2 -3 पूरी माइनस वाली संख्या, +0 और 1 से लेकर ∞ तक पूरी संख्या आएंगी। लेकिन इसका जो रेंज है इसका जो डोमेन है वो r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, मतलब सर r जो है ना इसमें r -1 -2 -1 -2 ऐसे 1 2 3 ऐसे ये r है। तो ये r में से माइनस एक और एक हटा देंगे, यहाँ पे एक और इसको हटा दीजिए, तो अब जो सीरीज बनेगी वो यहाँ पे आएगी, समझ गए, ठीक है ना। इसमें से इसको हटा देना है, आर माइनस करना है। इसके अलावा इसका जो रेंज होगा, देखिए इसका रेंज तो होगा सर -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, और माइनस सेट सर 0 हो जाएगा, और सर इसका क्लोज इंटरवल 0 से π, ठीक, और यहाँ पे π/2 ये हो जाएगा माइनस, ठीक। इस प्रकार आपको इनको याद करना है, ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आपके में ऑब्जेक्टिव आ जाता है उसके लिए इसको बताया गया है। तो डायरेक्ट एक बार चलिए याद करते हैं, साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल -1 से 1 और सर रेंज -ब्रेकेट, ये क्लोज और ओपन ब्रेकेट आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, ओपन ब्रेकेट -π/2 से π/2, और इसके अलावा सर कॉस इनवर्स के यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस इनवर्स का क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स का दिया हुआ है कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 और यहाँ पे 0 से π। इसमें सर टैन और कॉट में आर, आर क्या है, -∞ से ∞, और
कॉसेक और सेक में सर आर में से, आर में से एक और माइनस से घटा देना है, ठीक है, आर में से एक और माइनस से घटा देना है। आर का मतलब आप समझ गए ना, आर के यहाँ पे मतलब समझने की बारी आ रही है। आर का मतलब यहाँ पे सटीक भाषा में ये है कि सर माइनस वाली पूरी संख्या जीरो भी रहेगा और एक से इन्फिनिटी तक पूरी संख्या, ठीक है, ये अनंत तक पूरी संख्या रहेगी आर में। अब यदि आर में से एक और माइनस से घटा देंगे तो ये इसका रेंज डोमेन बनेगा। ऐसे यहाँ पे आपको देख लेना ध्यान से, ठीक। मेन मुद्दे वाले बात जो फार्मूले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, 2.1 इतना आसान शब्दों में बताया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ फार्मूले हैं जैसे जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसके बाद में माइनस एक्स साइन इनवर्स का माइनस एक्स, और सर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कर देंगे टैन इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो सर माइनस टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसके अलावा फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सर सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये ठीक है, ये फार्मूले हैं कुछ, ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जब आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जस्ट जो इस एक्सरसाइज का मेन 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू, और आपको एक नंबर 100% ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको वो फार्मूले समझ में आए होंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं क्योंकि वीडियो कट गया था, तो फिर से एक बार लिखते हैं वो फार्मूले जल्दी जल्दी बिल्कुल स्पीडली से। जैसे सर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू सर आया था साइन इनवर्स एक्स, सर इसके अलावा सर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो आया था वो आया था माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और सर टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स आया है, ठीक। कोई दिक्कत कोई समस्या? इसके अलावा सर आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इनवर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद में सर, इसके बाद में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सर यहाँ पे यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है तो सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना है, इसके बाद में सर सेक इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करना है, और इसके अलावा सर आ जाएगा मान लीजिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स यदि आया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करना है। अब कोई आपको दिक्कत नहीं है इन फार्मूले में, तो अब देखने का करिएगा थोड़ा सा प्रयास कैसे क्वेश्चन को डील करना है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल आसान। इतने फार्मूले आप दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल दिल दिमाग में आपके फार्मूले और कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल वैल्यू का है वो आपके उतरने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके आपके जो बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर एक जो है आपके 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्वेश्चन नंबर वन है कि सर साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा सर, देखिए साइन कॉसेक और टैन को अलग याद करिएगा और इनको अलग, इसीलिए मैं अलग अलग लिखा हूँ क्योंकि अलग अलग थोड़ा सा कंसेप्ट दोनों के हैं। यहाँ पे साइन वाला है तो मतलब ये वाले फार्मूले काम में आएंगे, ठीक है। साइन वाला है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे साइन इनवर्स इसी प्रकार लिख दीजिए, और सर ये माइनस है तो माइनस, और सर इसमें साइन में जो इसकी वैल्यू होगी, साइन में जो यहाँ होगी ना उसको ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, तो किसकी वैल्यू होगी सर साइन सर पाई बाई किसकी होगी सर पाई बाई सिक्स। अब पाई बाई सिक्स क्या हो सर देखिए पाई की वैल्यू सर होती है 180 अपॉन सर सिक्स कर देंगे तो कितना आएगा सर काट दीजिए सर 30 डिग्री आएगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है कि नहीं। अब देखिए
डायरेक्ट साइन इनवर्स माइनस यक्स। यदि सर इसको यक्स मान लिया जाए, इसको लेट साइन पाई बाई सिक्स इक्वल टू यक्स। यदि यक्स मान लीजिए, देखिए तो कौन सा फार्मूला बनेगा, साइन इनवर्स माइनस यक्स, साइन इनवर्स माइनस यक्स। नेक्स्ट लाइन में ये लिखेंगे और उसके जस्ट नेक्स्ट में ये वाला फार्मूला रख दीजिए, माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स एक्स। सर साइन इनवर्स एक्स की जगह सर, एक्स की जगह सर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे जो एक्स माने थे सर कितना आ जाएगा सर, पाई बाई सर सिक्स, पाई बाई सिक्स। तो सर कितना आ जाएगा, माइनस टू माइनस आएगी और सर यहाँ से आ जाएगा पाई बाई सिक्स। तो पहला का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स, माइनस पाई बाई सिक्स। सर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप समझने का प्रयास करिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा, साइन इनवर्स और साइन थीटा लिखा हुआ है तो थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा हुआ है तो थीटा हो जाएगा। समझने का प्रयास ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स हो और फिर ट्रिग्नोमेट्री इनटू में हो और उसके बाद में जो थीटा की वैल्यू हो वही वैल्यू हो जाती है, ठीक है। किसी भी आल ट्रिग्नोमेट्री, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, समझ गए ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका जो थीटा होगा वही आपका आंसर। तो यहाँ पे वही लॉजिक लगाया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बनेगा माइनस है तो माइनस माइनस, माइनस तो खुद लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है और ये बन गया ये फार्मूले से यहाँ पे थीटा। आ गया समझ में, आ गया समझ में, बिल्कुल आसान से बताया जा रहा है, ठीक है, समझ में आपको आ गया है ना। अब देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक साइन में हो गया ना, अब साइन में जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बन जाएंगे, साइन में कॉसेक और टैन में आपको बन जाएंगे। अब इसको एक साइन का मैं कॉस का उठाए देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉस का बिल्कुल कॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। तो देखिए कॉस इनवर्स और रूट थ्री बाई टू में कॉस सर पाई बाई कितना है मेरे भाई, सिक्स। तो सर डायरेक्ट यहाँ पे पाई बाई सिक्स कर देंगे, पाई बाई सिक्स कर देंगे। देखिए समझ